भारतीय जनता पार्टी के जन चौपाल अभियान के तहत गोवर्धन भाजपा विधायक कारिंदा सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव सोन में जन चौपाल करने पहुंचे, जहां गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर दर्जनों ग्रामीण व किसानों ने विधायक कारिंदा सिंह की गाड़ी रोक ली और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गाँव में घुसने नहीं दिया। विधायक की सुरक्षा में चल रहे पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने नहीं मानी, जिसके बाद भाजपा विधायक किसानों के भारी आक्रोश को देखते हुए बेरंग लौटना पड़ा। जिसका जमीर जिंदा है उसका नाम कारिंदा है का नारा देकर चुनाव जीतने वाले विधायक कारिंदा सिंह मगौरा के गांव सोन में ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे ही थे कि तभी किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक की गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी के सामने सो गए। गाड़ी को गांव की ओर नहीं बढ़ने दिया। किसान विरोधी कृषि कानून बिल को लेकर ग्रामीणों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और किसान नेता राकेश टिकैत व रालोद नेता जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। सूचना पर मगौरा थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और भाजपा विधायक कारिंदा सिंह को बैठक स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। विधायक कारिंदा सिंह को ग्रामीणों की समस्या को बिना सुने बैरंग लौटना पड़ा। गोवर्धन क्षेत्र के माननीय विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह जी, जो भाजपा से विधायक हैं, उनका गाँव में जन चौपाल का कार्यक्रम था पंचायत चुनावों को लेकर के, जिस दिन 27-28 जनवरी को किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी के ऊपर भाजपा सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ था, उनके जो आंसू निकले थे, उन आंसुओं के घाव हम किसानों के, ग्रामीणों के, आम किसान के सीने में थे। उन पर नमक और मिर्च लगाने के लिए माननीय कारिंदा सिंह विधायक जी, भाजपा विधायक जी हमारे गांव में आज आ रहे थे। ग्रामीणों में भारी आक्रोश था उनके विरुद्ध। किसानों ने सुबह फ़ोन करके विधायक जी को सूचित भी कर दिया था कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक माननीय विधायक जी भाजपा से त्यागपत्र नहीं देंगे, गांव में उनका आना निषेध है। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का, किसी भी भाजपा पदाधिकारी का, किसी भी भाजपा जनप्रतिनिधि का गाँव में आना निषेध है।